दम लाजा तुहानू हुण करवा दिता गया है और सानू इंसाफ मिलेगा और जगह वाग गुजार करवाई जाए हर सूरत। महकमा उत्थे ही साथ पास करके 150 या जो भी करदे ने लै दे के उत्थे ही उसनू जिहड़ा ना सदखाने डाल दिता। ਹੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਕਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ 92 ਕਨਾਲ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੇਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਾਮ ਐਲੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਤ ਹੈ ਜਿਨਨ ਕੋਸਲ ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਖਾਨਾ ਦੇ खारिया कब्जा माफिया के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकला है थाना गलियाना के इलाका मोजियान थे के लोगों ने अपनी जमीन यूनी काउंसिल और पटवार खाने के लिए वक्फ की मगर बदकिस्मती से और पटवारी की मिली भगत से बासर अफराद ने कब्जा जमा लिया जिसके खिलाफ इत्तेजाज करते हुए अहले इलाका का कहना था कि हमारे गाँव के कुछ अफराद ने अपनी मदद आपके तहत अपनी जमीन यूनी काउंसिल और पटवार खाने के लिए सरकार के नाम वक्फ की मगर बासर अफराद ने सरकार को भी चूना लगा लिया। पटवारी और इंतजामिया से साल बाद करके यूनियन काउंसिल और पटवार आने की जगह पर कब्जा कर रखा है। नाम जनाब राजा फजल रहमान बा मकाम नथिया जिस जगह से तुसी खड़े हो रकबा सारा नथेद है। गुजारिश ये है जनाब कि असी अपना इंतजाज इस हवाले नाल बराए रास्त तुहाडे हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि अज तू 18 साल पहले या 20 साल पहले जी जगह वाकफ की गई सी 10 मरले पटवार खाने वास्ते 1 कनाल 6 मरले यूनियन काउंसिल वास्ते वाकफ की जेडे रकबा मौजूद है इस जगह का तमीर जिस बंदे का रकबा नाल सी उसका नाम है मुजफ्फर खान वलदीयत गजनफर अली वो दूसरे पिंड च रहिंदे ने उन्होंने इतों रकबा खरीदया इस जगह दे उन्होंने नानके भी ने उन्होंने जगह खरीद के इतों जनाब रकबा नाल एक खीवट सी उन्होंने फरोख्त कर दिता है बंदा जड़ा दूसरे पिंड का जिन्हें खरीदया उन्हें अपनी मार्केट इतना बना के यूनियन काउंसिल और रकबा बेनाम पटवार खाना 10 मरले उन्हें जेडे तमीर करके अपने कब्जे कर ली जिस वक्त हूँ सानू पता चलिया शोर शराबा किया पूरे पिंड ने जितनिया लोगों को पता से उस बंदे ने क्या किया कि वह पिछे जगह छोड़ के जनाब कोई तकरीबन इस तू कम अज़ कम 400 फुट पिछे उसका रकबा है सी उन्हें वक्फ कर दे उस बोर्ड ला दिता कल लिया के तो बोर्ड भी जेड़ा गा वो अल्लाह जाने अगू किधर गया गा कि जी ये यूनियन काउंसिल का रकबा है साडा मौकफ यह है इतजाज ये है कि साड़ी असल जगह जी बेनाम सरकार है इसनों वागुजार कराए और इसनों खाली करवा के तहत असं यूनियन काउंसिल और पटवार खाना जेड़ा अपनी मदद आप दे तहत या बराए रास्त गौरमेंट की एड दे असं इतने तैयार करवाना चाहते हैं। रकबा शामला दे आ वह भी ये लोगों ने काफ़ी बले हैगा ठीक है जी वह 92 कनाल तो 3 मरले रकबा है साडे पिंड का उदे काफ़ी लोग तजावज़ करके काबज हो चुके हैं वो भी देखा जाए उसकी निशानदेही आवे और बिलखसूस ये जड़ा रकबा इस फौरी तौर पर यह बेनाम सरकार है वह बेनाम एले दे है जी उस बंदे ने क्या किया कि वह खसरा नंबर पटवारी नाल साजबाज करके या कोई तरीका इख्तियार किया तब्दील करवा के उस जगह तो 3 दुकाना जड़िया ने कोने ते जनाब वह सानू भी पता है साडे अबाओ अजदाद भी अज तो जे 18 साल 15 साल मौजूद सन वह सानू दसते रहे ठीक है जी हूँ सानू असल पता चलिया असा इतजाज किया उन्होंने गल की उन्हें कहा जी मैं तो वह पिछे छोड़ दी असी क्या पिछे नहीं असी लैनी जगह जगह जी असल है गौरमेंट की जी तुसा वक्फ की है साढ़े उन्होंने मेहरबाना ने वह दौ उसने कह सकता है महकमा उत्थे ही साजबाज करके 150 या जो भी करते रहे लै दे उत्थे ही उसनू जड़ा ना सर्दखाने डाल दिता बेनाम चीफ जस्टिस बेनाम अलका एसी बेनाम डीसी जिला गुजरात उस तो अलावा जनाब रेवेन्यू ऑफिसर डायरेक्टर उन्होंने नाम ते जितने भी अदारे महकमा माल वगैरह मुंसलिक या जिन्होंने इख्तियारात उन्होंने हवाले नाल ही असी जनाब इतजाज कर रहे हैं कि वह हूँ सानू इंसाफ यह मुहैया किया जाए तुहाडे बराए रास्त मीडिया के बराए रास्त तो उम्मीद है कि मीडिया इंशाला इस ओपन करेगा और सानू इंसाफ मिलेगा और वह जगह वाग गुजार करवाई जाए हर सूरत। हमारी वजीर आजम इमरान और वजीर आला पंजाब उस्मान बजदार से अपील है कि इस जमीन को वागजार करवाया जाए। कैमरामैन अली अरसलान के साथ जवेद वड़ाइज फोकस न्यूज खारियां।